पवन सिंह के बारे में हम ये कहब कि वो हवा है और कहीं भी है जहाँ भी है अपने साथ खुशबू लेके चलता है, सुर की खुशबू, और बहुत अच्छा गाता है। अभी जितने भी गायक हैं, हमारी बात को अगर बुरा ना माने तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि पवन सिंह से बेहतर, पवन सिंह से अच्छा कोई अभी आज की तारीख में गायक नहीं है। भोजपुरी के बहुत ही बड़े गीतकार विनय बिहारी, जी हाँ, विनय बिहारी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया जो कि बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर सकता है। विनय बिहारी ने ये कहा कि पवन हवा हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और अपनी सुगंध फैला सकते हैं। इस समय में अगर किसी भी, जितने भी भोजपुरी के गायक हैं, उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन पवन से बेहतर कोई भी गायक नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ा बयान दिया है। वैसे आपको बता दें, विनय बिहारी और पवन सिंह की जो जोड़ी थी, एक समय में सबसे ज़्यादा सुपरहिट गाने देती थी। जी हाँ, विनय बिहारी ने पवन सिंह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, और जब पवन सिंह मुंबई में नए नए आए थे तब वो विनय बिहारी के पास ही रहा करते थे। जी हाँ, इसका खुलासा खुद विनय बिहारी ने एक इंटरव्यू में किया था कि जब पवन इतने बड़े कलाकार नहीं थे और मुंबई में नए नए थे, तब वो मेरे साथ मेरे ही फ्लैट पे रहा करते थे। यानी कि करियर के शुरुआती दिनों में विनय बिहारी ने पवन सिंह की बहुत मदद की है। और आपको ये भी बता दें कि जिस फ्लैट में विनय बिहारी रहा करते थे पवन सिंह को लेकर, उसी फ्लैट से, यानी कि उसी घर से किस्मत चमकी थी पवन सिंह की, इसलिए उस घर को पवन सिंह बहुत लकी मानते हैं। और बाद में उन्होंने वो घर विनय बिहारी से ले लिया था। जी हाँ, और कहा जाता है कि इसके एवज में पवन सिंह ने उन्हें एक अच्छी खासी मोटी रकम भी चुकाई थी। साथ ही साथ विनय बिहारी से पवन ने एक वादा किया था कि जिन जिन फिल्मों में वो गाएंगे उनका एक गाना उसमें ज़रूर होगा। और पवन सिंह इस बातों पर काफ़ी दिनों तक खड़े रहे, जब तक विनय बिहारी सांसद ना बन गए। जब वो सांसद बन गए तो फिल्मों से वैसे ही दूर हो गए, लेकिन ये जोड़ी फिर से धमाल कमाल और बवाल मचाने को तैयार है। देखते हैं कि इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। जो भी होंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब